हेलो दोस्तों, तो मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है क्यू एंड ए वीडियो। तो यहाँ पे है 40 से 50 क्वेश्चंस और हम अपनी जुबान से इनका आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कौन खाएगा पहले? पढ़ना किसको है? हाँ। ऐसा नहीं, पढ़ना नहीं आता, पेट यहाँ पढ़ा। हाउ डिड यू मैनेज आईएससी एंड नीट सिलेबस टू आचल फ्रॉम रिदिमा क्रिएशंस? अच्छा, तो बेसिकली इतना हार्ड नहीं था, मन में सोच लो तो सब हो जाता है, एंड मेरे से भी हो ही गया। जय श्री राम। मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, सब हो जाता है। जी, पढ़ने में कोई उत्सुक हो जाए? आपने आपने कैसे पढ़ा? मैं पढ़ी थी बुक गाइडेंस एंड रिसोर्सेज और रिदिमा क्रिएशन। किसे पूछा है? जैसे कुछ है, मैं पढ़ता सुन रहा हूँ। तो ऑनलाइन ही पढ़ाई की है मैंने, मतलब यूट्यूब से, कोई कोचिंग वगैरह नहीं। एंड फिजिक्स वाला एंड एनसीईआरटी नहीं, अन अकेडमी, और अपनी बुक्स में तो एनसीईआरटी बस। करण का नंबर आ, करण तो इतना धीम पर डाग ले कौन सुन। इसका भी आएंगे ना क्वेश्चन। ओके, राखी मैम ने पूछा है कि चंचल क्या कर रही है आजकल और उसका सीयूईटी कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा सीयूईटी देने के बाद। तो बेसिकली मैं आजकल एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ और वो बहुत ही बड़े लेवल की डिजाइनिंग होती है, और मेरा बस ये है कि मेरे को एक कंपनी में जॉब चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी में। और सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी मेरा बहुत बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, और रिजल्ट आएगा तो वो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम सरकारी पेपर देने की हिम्मत नहीं हमारी, नाबालिग है। ओके, ममता सिंह जी ने पूछा है कि आचल का नीट 2024 का स्कोर एंड रैंक ऑल इंडिया रैंक। तो मेरा मार्क्स आए हैं 579 एंड रैंक है मेरा 104,832। तो ज्यादा पढ़ा नींबू लो, दो लौंग और नींबू के बीच में डाल के चौराहे पे रख दो, और वो पत्ता जो है वो शिवलिंग पे लगा दो, आपके 90+ पक्के। तो ये क्वेश्चन था एनी नैन की तरफ से, ये क्लास 12th आईएससी के लिए पूछ रहे थे। तो हाँ, एनसीईआरटी से, मैंने तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाई की थी और मेरे 98 आए हैं, तो आप भी एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, मैं तो यही बोलूँगा। फास्ट फास्ट। अच्छा, मैं क्या राखी सावंत इतने पूछा है कि अभी जो ये नीट का स्कैम चल रहा है उसमें आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या, मतलब आपके मार्क्स में कम ज्यादा हुए हैं क्या? तो नहीं हुए, मैंने ओएमआर के जो कैलकुलेट किए थे 579 वही आए हैं मेरे, टोटली सैटिस्फाइड विद एनटीए। भाई अपनी बहन को कुछ खिला पिलाओ, अर्पित अग्रवाल। भाई देखो, भाई बहन बहन की प्रॉब्लम नहीं है, भाई की भी है, खा लो कितना ही लगता नहीं, लगता नहीं, हम तीनों को ही नहीं लगता है, क्या करें? लगता है, बुद्धि का लगा, किसी का कहीं लगा, किसी का कहीं। विच यूट्यूब चैनल यू स्टडी फ्रॉम, ये पूछा है साक्षी शर्मा ने। तो हम तीनों फिजिक्स वाला से ही पढ़ते हैं, जब पढ़ते मैं बस एग्जाम के टाइम में पढ़ा था 2 महीने, मैं अब नहीं जानता कौन ये सिर्फ मुझसे पढ़ता है, इसलिए सिर्फ मैं ही पढ़ा। हम आर्ट्स वाले हैं, मैंने सीयूईटी के लिए लिया था सीयूईटी अड्डा 24 और ह्यूमैनिटीज अड्डा 20। मैं दोनों ही जानता बाबू ने जाना है। आर यू बीटीएस आर्मी? साक्षी शर्मा करण शिकंदे सारंगी। तो हम नहीं अभी दे साथ में, तीनों में से कोई भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बचपन से। ओके, सूरज झा ने पूछा है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, किस तरह से आपने ये सब अचीव किया है एंड कौन कौन सी परेशानियां आई एंड उनसे आपने कैसे डील किया।
तो परेशानियां तो बहुत आई मेरे इस जो जर्नी रही है मेरी, बहुत स्ट्रगलफुल रहा हूँ मैं और हद चेहरे में तकलीफ नहीं होती। तो मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिला मुझे, जो हूँ आज खुद के दम पे हूँ। हम सब रोज गोलियां मारते थे ना इसको, नहीं बहुत कुछ झेला है मैंने। तो ये नाटकबाज है, हम दोनों तो स्टूडेंट लाइफ की थी तो हमारा तो कोई परेशानियां नहीं आती हमें, हम तीनों को तो बिल्कुल भी नहीं आती। हमारे मम्मी पापा सारी देख लेते हैं, खुद ही निपटा देते हैं, चाहे फिर वो कुछ फैमिली का प्रेशर हो, पड़ोसियों का हो, सब निपट जाता है, हम तक आते ही नहीं। उठा ले कोई बड़ी, उठाया पढ़ पाए ये भी नहीं उठाते हैं, बड़ी है पढ़ नहीं पाऊंगा। सबसे छोटी उठाई है ये मतलब नहीं है मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया नहीं। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दो सुषमा सिया कपिल रोहिया। देखिए नंबर मांगने का तरीका थोड़ा कैसे है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऑफेंस है। दे दे नंबर, दे नंबर लिखो 98971 उसके आगे बम डिगर डिगर बम बाबू का दे दे। ओके अक्षर टॉप ने पूछा है कि व्हाट्स योर नीड स्कोर, बैक वीडियो में बता दिया, बार बार नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। 579 एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने ये उठा ली बड़ी वाली। क्या हो रहा है, तो औकात नहीं रहना कर। भूल गए क्या मुझे तुम सब लोग, प्रीतम गेमर। नहीं नहीं बिल्कुल याद है, आप तो पहले सपोर्टर थे, पहले सपोर्टर थे हमारे, आप ही के साथ स्टार्ट जर्नी की हमने, जर्नी स्टार्ट मतलब होता है ऐसा, पढ़े लिखो का बड़ा हैप्पीफुल हमारे भाई, आईएएस की तैयारी कर रहा है, नहीं बड़ा वाला ही निपटा हूं मैं, तेरे से तो निपटेगा नहीं है। तो आपको कैसे बोल सकते हैं, सब याद है। ओके तो सूरज जी ने काफी लंबा चौड़ा कमेंट किया कि कुछ स्टूडेंट्स रात के 2-3 बजे तक स्टडी करते हैं जैसे कि मैं, ग्रुप स्टडी करते हैं जैसे कि करें, फिर बुक्स के साथ फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, या फिर कॉलेज स्कूल में रील्स बनाते हैं, स्टडी करते हुए रील बनाते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या इसे इस तरह का शो ऑफ करना सही है, और आप क्या कहना चाहोगे? तो बिल्कुल सही है, ऐसे अपनी सोशल लाइफ दिखाओ, इंस्टाग्राम डाउनलोड करो। नहीं भाई, आंचल ने तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, और वो इन सबसे बिल्कुल कोसों दूर थी नीट एग्जाम के लिए, 2-3 साल उसने कुछ भी नहीं किया था, तो हम सब तो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर, और ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको 72% चाहिए करें जितने, अगर आप उसमें तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट स्नैपचैट फ्री फायर भी आप खेल सकते हो जब भी आपका मन करे, मम्मी पापा की बातें इग्नोर करो बस। ये सब नहीं करना चाहिए, सही सही क्यों नहीं बोलते? सेल्फ स्टडी या कोई ऑनलाइन कोचिंग, शिफात गेमिंग में क्यों? तो बेसिकली सेल्फ स्टडी थी मेरे पास, तो कोई ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कुछ भी नहीं, नथिंग, बस जान निकालेगा उसकी। यस टेक टू टेक तू ही पढ़ ना, कोई ना वो आर्ट्स पढ़ लेते हैं, मत पढ़ाओ बेटिया, मत पढ़ाओ बेटिया, बेटिया पढ़ाओ। रिधिमा ने पूछा है कि प्लीज शेयर योर इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे टिप्स फॉर आईसीएसई 10th। मेरा तो यही है कि हम हरियाणवी, हमारा इंग्लिश में थोड़ा तंग रहता है, फिर भी हमने कैसे तैसे बेड़ा पार लगा के 95 लिया है, तो यही है अच्छी इंग्लिश लिखो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तगड़े तगड़े वर्ड्स लिखो। आईसीएसई बोर्ड में हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करने, आज भी मेरे को वहम है कि मेरे 71 आ कैसे गए, मेरा कोई री ना दे दे, रीचेकिंग के लिए ना दे दे, डर लगता है रातों को। तो मैंने क्या किया था, चिपका चिपका कैसे लिखा था, और 2-3 पेज भर दिए थे जो मतलब मन में आ रही थी, जो स्टार्टिंग में शुरू किया था वो एंडिंग में दोहरा दिया, ऐसे करके करके लंबा चौड़ा ऐसे लिख दिया, उसने पढ़ा ही नहीं। इसकी राइटिंग ऐसी है, वो सोच रहा होगा जल्दी निपटे बस। नहीं मेरे टाइम पे तो यही था कि बीच का कोई नहीं पढ़ेगा, तारी चेकिंग होगी ना होगी, जिसने तेरा पेपर चेक कराया उसकी जरूर चेकिंग होगी, वो 2-3 दिन तक सोया नहीं होगा। और हम तीनों में सबसे अच्छी इंग्लिश तो चंचल को ही आती है, हम दोनों तो देसी भारत गामा के भाई, हमें नहीं आती अंग्रेजी, हम डोंकी मारेंगे, कहाँ जाएंगे यूएसए, चप्पल मिलेगा। डिड यू गिव नीट एग्जाम करण शाइनी पर्ल? हाँ मैंने दिया था, और मेरा AR1 भी आया है, मेरा ये केस चल रहे हैं ना इसके वजह से मेरा नाम दबा दिया गया, मेरा रैंक कुछ आया है 1 आया है वो AR1 ठीक है, और मार्क्स मेरे 720 प्लस आए हैं। कौन सा एम्स मिला करण? एम्स दिल्ली मिला है मेरे को, पर अभी देखो केस चल रहा है तो मेरे को वो भी ना मिले कोई बात नहीं।
भी पढ़ ले सारे, हम तो ऐसे ही आए लड़ लो पहले। What is your aim? निश्चय। गलत सवाल गलत हाथों में। तो बेसिकली मेरा एम है डॉक्टर बनना, चंचल को डिजाइनर बनना है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को आवारा बनना है जो मैं बन चुका हूँ। फ्री की रोटियां तोड़ रहा हूँ। ये करण को कभी कभी फौजी बनना होता है, कभी कभी बस फौजी बनना होता है। क्या करना है कभी कभी मेरे को बिजनेस मैन बनना होता है, कभी फाइनेंस का धंधा करना होता है, कभी कभी टंकी भरनी होती है, कभी कभी सोचता हूँ क्या ही करूंगा, कुछ काम करके घर पे बैठ के रोटी तो मिलती है। नहीं नहीं मेरे पास है सूरज जी झा। आप स्टडी, सॉरी फॉर द सरनेम, आप स्टडी के बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए क्या एक्टिविटीज करते हैं? मैं माइंड फ्रेश के बीच में स्टडी करता हूँ। ये एक घंटे पढ़ता है और तीन चार हफ्तों का ब्रेक लेता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं करती। मेरे को ये लोग कॉफी पिला देते हैं, वो ब्रेक भी खत्म हो जाता है। एंड चंचल हमारी मस्त लैपटॉप में गाने सुन लेती है, कभी डिजाइन बना लेती है, ये जिम चला जाता है, दोस्तों के साथ चला जाता है। कभी कभी पढ़ाई याद आती है तो पढ़ाई करने बैठता है, ज्यादातर पढ़ाई नहीं करता। डॉक्टर ने मना कर रखा है करण को, इन्फेक्शन एलर्जी से, एलर्जी है। विच नीड कोचिंग हर्षिता कुमारी, सेल्फ स्टडी कोचिंग। वाओ, घर का अड्डा 24/7 मिलता। अभी आगे क्या प्लान है आचल एंड चंचल? मेरा कोई प्लान ही नहीं है यार, मेरा वजूद नहीं है यार, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो मेरा तो यही प्लान है, MBBS करके डॉक्टर बनना है। 12th हो गई, OJEE हो गया, सब अच्छा हो गया। मुझे बहुत ही बड़ा UI/UX डिजाइनर बनना है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और मैं चाहती हूँ मुझे कोई बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब। इन्हें मैं सिर्फ नहीं पूछा, मैं तीन वक्त की रोटी मिलती है मेरे को, यही तो तेरा सपना है। अब क्या चाहिए यार लाइफ से? फिर भी क्या बनना चाहता है? बड़ा कैन स्कोर, कैन आई स्कोर 90%+ इन क्लास 12 CBSE विद सेल्फ स्टडी गेमिंग। यस यू कैन, अगर पोटेंशियल है तो पक्का। बोल भी कौन रहा है, ये रिकॉर्ड करके इसको 12वीं में सुना ना मम्मी। अरे मेरे को सर नहीं कहा, पोटेंशियल है तो पक्का, मेरे में नहीं था। पक्का कर सकते हो अगर तुम इतने हो सक्षम कि तुम कर सकते हो। और मम्मी पापा का सपोर्ट भी होना चाहिए, जो करण के साथ भी था पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी मेरे साथ था, मम्मी पापा का सपोर्ट था, मेरा ही सपोर्ट नहीं था मेरी पढ़ाई को। अकेले कैसे, एफर्ट्स दोनों तरफ से लगने चाहिए। You all have taken which stream? Abhishek 10. Science, Arts, Commerce. वेल्ला कॉमर्स भी नहीं लिया। मैंने इसको अपने धक्के से दिलवा दिया, अभी दिलवाया। साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो आपको अगर लाइफ में आगे कोई भी डिसीजन लेना हो कि क्या स्ट्रीम लेनी है, तो आप हमारे घर पे आइए, हम आपको तीनों वैरायटी मिल जाएगी। आप बताओ मेरे को क्या लेना चाहिए कमेंट में, बोला पढ़ाई छोड़ दे पैसा बचा ले। How much percentage Chanchal got in class 10th and 12th? Zihan, come in. Zihan, come in. So, in class 10th, मुझे मिले थे 80% और in class 12th, मेरे को मिले थे 75.8%. 3% रह गया मेरे से. Okay. So now, सूरज जी का last question है, करण को आप दोनों क्या advice देना चाहोगे? मानेगा ये हमने? मैंने घर वालों की नहीं मानी, मैंने टीचरों की नहीं मानी। तो अगर फिर भी मानेगा तो मैं तो यही बोलूंगी साइंस ले ले भाई, लाइफ मैं यही बोलूंगी कॉमर्स ले ले भाई, लाइफ सेट है, आर्ट्स मत लियो बस। मैं जॉइन पर रहने की सोच रहा हूं। मुझे चंचल आचल में बहुत कंफ्यूजन है, क्लियर करो सूरज झा। देखो ये चंचल है, ये आचल है, मैं करण हूँ, मेरे बारे में कुछ पूछ दो यार, ना मेरे प्लान पूछते ना मेरे बारे में पूछते यार, इतना खटक रहा हूँ चैनल से डिलीट हो जाता है। हम हमेशा ट्विनिंग करके रहते हैं ना, तो इसीलिए सबको कंफ्यूजन हो जाती है। चल बता तू कैसे, तेरे को आचल और चंचल में एक यूनिक बात बता। दोनों ही गवार है, दोनों ही मेरी बात नहीं मानते, तेरे से ज्यादा गवार पूरे खानदान में कोई नहीं है। और करण क्या करेगा आगे? राखी मैम बताइए, फिलहाल तीन वक्त की रोटी खा रहे हैं, अगर डाइट अच्छी रही तो चार वक्त की खाएंगे। टमाटर फेंको ऐसे आदमी होता। फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं है, होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा यार। आप कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं एक मकसद को अंजाम देने आया हूँ, जल्द देंगे। 10th में तो 72 है, मकसद करेगा पूरा। हाँ भैया कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा
हरियाणा से हैं, हिसार गांव से। बस बस। How are you all? I am fine. Where are you Shasta? now? Shasta Karan. Oh, Shasta. Hmm. Oh. अभी हम सब बढ़िया हैं। हम हिसार में हरियाणा। और हम महाराष्ट्र में नहीं है अभी। हमने उसके अगर आप बोलोगे तो लाइव लोकेशन भेज देते हैं, मीटअप भी कर लेते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं। लेकिन हमें याद हो आप। म्यूजिक की जगह वॉइस ओवर क्यों नहीं करते? आदित्य कुंडू। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ एक चंचल नामक प्राणी है, वो बहुत आलसी है। एफर्ट लगाने में वो होता है हिचकिचाहट, जैसे हिचकिचाहट। हाँ, टाइम नहीं मिलता। देखो भाई, अपॉइंटमेंट ले लेके मिलते हैं अभी। तुम दोनों से ज्यादा मेहनत करती हो। ओके, जे एस के, सिसा के हो क्या आप? यस, सिसा, सी आगे कह दे। यस, तभी तो सिया खा गए। खुल भी जाएगी। शेयर योर डिटेल्स स्टडी टिप्स फॉर ICSC इंग्लिश। मेरी ICSC 2 तो ICSC थी रिधिमा। देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले तो आपको दीपा मैम जैसी एक मैम चाहिए, ठीक है? मैम देख रही हो तो वीडियो, हेलो मैम, कैसे हो? तो और इंग्लिश पढ़ने की नीत होनी चाहिए जो मेरी नहीं थी, और जुनून होना चाहिए जो मेरे में नहीं था, और आप हरियाणा से नहीं हो, तुक्के भेड़ो, जितने MCQ हो सकते उतने तुक्के भेड़ो, कर लोगे आप कुछ? पास तो हो ही जाओगे। ओके, नाउ सूरज आस्क कि जो स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके भी पास नहीं हो रहे हैं जैसे कि करण, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप कि फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, कि वो भी आपकी तरह अपने मंजिल तक पहुंच सके? यही कि पढ़ाई करो, सुसाइड तो मत करो, क्योंकि वो सबसे गंदा ऑप्शन है। फ्री की रोटियां छोड़ लो, घर में वो क्या मिल रहा है? मैं करना होता, मैं 7-8 बार सुसाइड कर चुका होता। मेरे पास कुछ करने ही नहीं, घर में इतने ताने पड़ते हैं मेरे को, रिस्पॉन्ड हो जाता है यार भाई। पर मैं करूंगा क्यों, मेरे टाइम नहीं उसको। फिर से घर से रिश्ते शुरू करना पड़ेगा भाई, क्यों झंझट ले रहे हो अपना? अभी 10वीं तक तो पहुंच गया मैं, और आपके मम्मी पापा ने इतना बड़ा किया है पाल पोस के, ये सब सोचना भी नहीं, ठीक है? हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, अगर हो रहा है तो करो। मत सुनो, ये आंसर इसके तरफ से छोड़ दो, आपके भी कम मार्क्स आएंगे। हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, ये है कि करण जैसे दोस्त मत बनाओ, स्कूल में बैक बेंचर मत बनो करण जैसे, और पढ़ाई करो। मेरे बेटे ने इतनी बेइज्जती ना करो, इतना भी गंदा को नहीं, लेकिन बदला लूंगा। नहीं ज्यादा नहीं, दिन में 4 घंटे भी पढ़ाई कर लोगे तो भी बहुत है। मैं चार दिन जो कुछ करो दिल से करो बस। विच इंग्लिश ICSC बुक यू प्रेफर रिधिमा? टोटल इंग्लिश जो मेरे पास थी वो मैंने क्या नहीं मुझे लगा नहीं, मैंने कवर करनी तो देखा है पूरे साल, तो कोई ऐसी बुक बंद ही करके तो देखिए। वो जावियर पिंटो वाले बुक आप फॉलो करो, उसी के कारण मेरे भी मेरे पास हो गई। और श्लोकों में कर लेंगे। What is your second sister doing? Arshdeep. Arshdeep. First sister कौन है मेरी? A. Second two. क्या कर रही है तू? Time waste कर रही है बिलाव तो? Garden escape खेलते रहती है पूरे दिन, पढ़ाई करती है, फिर garden escape, फिर सो जाती है, फिर चाय पीती है, फिर पढ़ाई करती है, फिर सो जाती है। चाय कभी वो पीती नहीं, कॉफी पीती। कॉफी वो क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड कॉफी। देसी है कॉफी, चाय अलग ही तो बता। अच्छा हो गया, मैंने दे दिया आंसर। आपका नाम क्या है बताओ ना जल्दी जल्दी। ऋतुजा क्लासेस करण स्पीड। एंड कैमरामैन का नाम है सुषमा शिला। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये देख लो पर्ची ही है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये वीडियो खत्म कर देंगे हम। क्या रैंक है आंचल का गुरलीन कौर? इसके साथ तो वीडियो एंड करना बनता ही है। 1,00,000 इतने पैसे, इतने पैसे मिलते हैं ना, मेरे तो पूरे हो जाते हैं। 1,04,835। तो नमक आपने 3-4 बार छिड़क लिया इस रैंक पे, तो
इसी के साथ वीडियो ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, और आप बताना कमेंट में आपकी क्या सजेशन है करण के फ्यूचर के लिए, करण को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं सोचता इस बारे में। और कैसी लगी आज की वीडियो सब बताना, हमने आपको सब कुछ बता दिया। वीडियो कमेंट सेक्शन से पूरी भर जानी चाहिए। और मैं कैमरे के पीछे हूँ तो मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना, और मेरी सबको राधे राधे। पास हो जाए।